सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुबारकबाद नहीं दे रहा मैं, क्योंकि उन्होंने जो पीसीबी के हुक्मरान हैं उन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर। हेलो जी, मैं खुद उसके रिएक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखेंगे भाई, कुछ एंग्री रिएक्शन, कुछ अजीब गरीब रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है और इंडिया हो गया था 46 पर ऑल आउट। ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ये स्कोर कार्ड जब मैंने देखा तो मेरी जुबान से अपने आप निकला कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? मतलब कैसे हो गया यार? और आज टीम इंडिया 50 रन नहीं बना पाई। टीम इंडिया ऑल आउट हो गई टेस्ट क्रिकेट के लोवेस्ट स्कोर में। इंडिया में 46 रन स्कोर है, ये इंडिया का सबसे कम स्कोर है घर में। मतलब इज्जत बस खाली इस बात से बची है कि भैया 36 रन पे ऑल आउट नहीं हुए थे। पड़ोस वाले पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि सर हमारे मैच के बाद तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, हमारी टीम आउट हो गई, आज आपकी वाली तो 46 पे चली गई। हमने कहा हाँ भाई, आज मजाक हमारा भी बन रहा है और मजाक बनना चाहिए, क्योंकि 46 रन पर ऑल आउट होना चिन्नास्वामी में ये हैरान करने वाला। इतना फेटा लगाया था, लेकिन दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान कह सकते ना कि गर्त पे गिरा हुआ था और उससे नीचे जाने का उनके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान अब वो वहां खड़ा आके जहां शायद किसी ने नहीं सोचा था, उनके सामने जीत है, बट अब वो ये जीत को टच कर पाते हैं या जो भी, और अभी कह सकते हैं जीत और उनके बीच में जो रूट भी है। प्रॉब्लम ये ना, जीत के साथ उनके साथ ये होता है जैसे वो लिटन दास की और मेहंदी की पार्टनरशिप थी, जीत जब जब उनके सामने आई है वहां से पाकिस्तान लड़खड़ाया है। बट यहाँ पे 260 रन और बना लेंगे इंग्लैंड को, 8 विकेट हैं, कंडीशंस आसान नहीं है, 8 विकेट 9वें दिन का विकेट, हां और कंडीशंस आसान नहीं है। अब रन स्कोरिंग थोड़ा मुश्किल हो गई है और उनके देखो कॉन्फिडेंस की बात है ना, मोमेंटम की बात है। 24 घंटे क्या, अभी शाम के 6:10 हुए हैं, 9:10 और 6:10 में 9 घंटे का फर्क है। इन 9 घंटों में इंडिया की मतलब सोच कैसे बदल गई, हम लोग ऐसे बिल्ली की तरह क्यों बैठ गए? क्योंकि एक ऐसा खेल हुआ जहां पे इंडिया की टीम 46 ओवर आउट हो गई। तो आज पाकिस्तान अपने ड्रेसिंग रूम में जाएगा, आपको लगता है कि 260 रन सोच रहा होगा? वो सोच रहे होंगे हमने 2 आउट कर लिए। अगर आप एक अच्छी टीम हो तो आपको यह सोचना है हमने आज 2 आउट कर लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने जो 3 दिन की क्रिकेट खेली है, कमाल की क्रिकेट खेली है एक बच्चे ने और बाकी बुजुर्गों ने उनकी उनकी टीम को जीत के पास। और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखो, साजिद नुमान और कामरान एंड सलमान आगा, सलमान आगा की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज सलमान आगा भी तो अभी जाके थोड़े बहुत रेगुलर हुए ना। सो उनके 4 ऐसे प्लेयर्स जो शायद आप आज से 10 दिन पहले कहते कि क्या इनमें से कोई टॉप 3 में आएगा, आप कहते ना 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 ना। उन्होंने आज आप सिलेक्टर्स को भी देखो ना सर, इनके यहाँ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कद वाले सिलेक्टर्स आए। अब उन्होंने अली इमदार, असद शफीक है, चल गया ना सिलेक्टर फैसलों के लिए अंपायर के पास गए, चल गया सही फैसलों के लिए अंपायर। बट ठीक है कि आप देखो यहाँ पर और आज इंग्लैंड को भी खतरा होगा, हालांकि वो 2 आउट हो गए और दोनों विकेट जो है स्पिनर्स लेकर गए। 184/3, 134 की तो लीड हो गई है यार, जिस पिच के ऊपर आपसे लोगों से खड़ा नहीं हो जा रहा था। अगर आ गया, जीत गया भैया जी, जीत गया पाकिस्तान, पाकिस्तान सीक्रेट हो गया भैया, ब्रेकिंग न्यूज कर दीजिए, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत चुका है। और मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार बताया था कि पाकिस्तानी, आज मैं कोबरा की वेट कर रहा हूं, कोबरा आएगा कब, बिकॉज 10 बार मैंने बताया था, समझाया था कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान इजी जीतने वाला है, इंग्लैंड से चेज नहीं होगा, इस ट्रैक के ऊपर गोरों से बैटिंग नहीं होगी। एंड सैल्यूट है भाई पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को कि अगेंस्ट पब्लिक परसेप्शन इमोशनल कॉल नहीं ली, के पब्लिक बोल रही है कि नहीं जी नहीं, बड़े बहुत बड़े प्लेयर है बाबर आजम, इनको तो खिलाना पड़ेगा, उसको ड्रॉप किया, सही किया, ड्रॉप शाहीन को ड्रॉप किया, नसीम को ड्रॉप किया, करी सरफेस स्पिन ट्रैक दिया, साजिद कटक खिलाया, नुमान दद्दू को खिलाया, दोनों ने एक ने एक इनिंग में 7 विकेट, एक ने दूसरे विकेट इनिंग में 7 विकेट, और दोनों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान को यहां पर टेस्ट मैच जिताया। क्या जबरदस्त कमबैक हुआ है, कोई भी टीम जिसमें इतने चेंजेस हुए ना वो टीम कभी जीतती नहीं है, क्योंकि आप जब अपनी टीम में इतने चेंजेस कर सकते हो ना तो फिर टीम को उसको अडैप्ट करने में टाइम लगता है प्लेयर्स को, बट यहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज दीस प्लेयर्स वर ऑलवेज रेडी, ये तैयार थे। साजिद लगातार खेल रहा था, नुमान अली लगातार अपना आपको फिट रखा हुआ था, कामरान गुलाम द अनसंग हीरो ऑफ दिस टेस्ट मैच जिसने पहली इनिंग में 100 रन मारे, जो बाबर की रिप्लेसमेंट बन के आया वो रेडी था, एवरीबॉडी रेडी एंड एवरीबॉडी जेल्ड इन, कोई भी अपने ने नहीं खेला। देखो बाबर करता क्या था, फ्लैट ट्रैक बना दो जी,
मैं 100 टेस्ट मैच भाड़ में गया, पाकिस्तान भाड़ में गया, मैं 100 मारूंगा। वह आप बोल रहे भी मेरे को फ्लैट ट्रैक चाहिए 100 मारने के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो 200 मार देगा, तू 100 मारेगा। तो दूसरे की कमजोरी क्या है? गोरों से स्पिन खेली नहीं जाती। इंडिया ने सालों साल ऐसे ही हराया सबको। ऐसा लग रहा है कि बस हो गई पाकिस्तान की जीत की। साजिद फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेटें, नुमान सेकंड इनिंग्स में 8 विकेटें। तारीफ करनी होगी 2021 के बाद जो है फरवरी में जो लास्ट टेस्ट मैच जीता था घर पर, उसके बाद अब जाकर जो है पाकिस्तान को जीत मिली है। तारीफ कर रहे हैं आप इसलिए? हाँ, इतना लंबा समय इंतजार करके जीत। अरे यार अब ये देखो कि सूखा खत्म किया है, 7 लॉस और 4 ड्रॉ के बाद बदलाव करके बदलाव आया, राहत की सांस ले रहे होंगे। चलो जीते बिल्कुल। लेकिन तारीफ करोगे नौमान की और साजिद खान की, दोनों स्पिनर्स की जिस तरह से दोनों ने गेंदबाजी की है और 144 पे जो है इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया है और जीत गए हैं ये टेस्ट मैच। कितने रन से वो आपको बता देते हैं? 152। क्रिकेट परफॉर्मेंस से बिकते आज जीत से रिजल्ट। आज लोग साजिद नौमान और साजिद ने दिखा दिया। साजिद के बारे में लोग जानना चाहते हैं, नौमान मतलब पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली पता है, बट पाकिस्तान के बाहर से जो क्रिकेट देख रहा है, चलो जो डोमेस्टिक फॉलो करते हैं उनको पता था कि ये पहले भी खेल कर गए। साजिद ने बोला फर्स्ट इनिंग्स परफॉर्मेंस के बाद कि मैं तो अच्छा ही करता था, मुझे तब भी बाहर कर दिया जाता था। तो रिजीम कौन सी थी, कौन चला रहा था टीम तब? तब भी बाहर करते थे। नुमान अब 8 विकेटें नुमान लेकर गए, नुमान जी 8 विकेटें उनको मिली हैं, पिछले फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेटें उनको मिली हैं। बैटिंग में जो बाबर की जगह पर आए थे उनका रोल है ना भाई, शतक मारा था फर्स्ट इनिंग्स में, तो रन दिए ना बना के। और दूसरी चीज जो आप बात करते हो कि भाई वो प्लेयर इवन आपके शाहीन और नसीम भी नहीं है, नहीं है, आप एक पेसर के तौर पर खिला देते कि पाकिस्तान की तो ताकत सबसे, और सबसे बड़ी बात है तो आज स्पिनर्स ने कर दिया मैच खेल। देखो पाकिस्तान जो चीज एटलीस्ट उनको इस टेस्ट मैच से ये कम से कम पता तो चलेगा ना कि भाई हमारी भी कोई स्ट्रेंथ है, हम भी किसी एक तरीके से अप्रोच करके टेस्ट मैच जीत सकते हैं। बैसबॉल जो बोलते हैं ना हम, यहाँ पे एशिया में आके इंग्लैंड का बैसबॉल नहीं चलता है क्या? यहाँ पर मुल्तान का पहला टेस्ट जीता, उसके बाद जब इंडिया आई थी तो लगातार मैचेस हारी थी ना, पहला एक जीते थे, पहले सारे हारे थे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुबारकबाद नहीं दे रहा मैं, क्योंकि उन्होंने जो पीसीबी के हुक्मरान है उन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। लेकिन एक आवाम है जिसको क्रिकेट से बहुत प्यार है, जिनके लिए इंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन है। अब देखो क्या है ना, बोलते हैं कि कुछ करने से ही कुछ होता है, बिल्कुल बिना किए तो कुछ नहीं होता ना। आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, आप एक टीम बना लिए, वही भाई भतीजावाद, वही दोस्ती यारियां करा ना उन्होंने, और टीम को जीत। आज तो आप नहीं बात कर रहे होंगे कि बाबर और शान की लड़ाई हो गई, बाबर और शहीन, आज क्या बात कर रहे हो आप कि पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान अब अगले टेस्ट मैच में भी ऐसी विकेट देगा, इंग्लैंड अब टेंशन में होगी। एटलीस्ट आप इन अगले 5-7 दिनों में वो नेगेटिविटी की बात तो नहीं करोगे ना, क्रिकेट पर फोकस करोगे आप। बाबर को जिस तरह से पूरे मैच में उन्होंने खेला है, चाहे जिस तरह से सैम अयूब की और कामरान गुलाम की वो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग में जिससे उनको फायदा हुआ था, या फिर साजिद की फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी थी और दूसरी इनिंग में नौमान की थी, तो ये ना पूरा का पूरा क्रेडिट प्लेयर्स को ही जाता है क्योंकि ऑलराइट तो हाँ, इंडियन मीडिया पर चर्चे भाई साहब चारों तरफ है कि पाकिस्तान जीत गया है, दूसरी तरफ ये है कि इंडिया 46 पर ऑल आउट हो गया है। ठीक है, हो गया। एंड कुछ लोग कह रहे थे इंडियन मीडिया में भी, कुछ लोग यही कह रहे थे कि आप हम लोग पाकिस्तान का मजाक बना रहे थे कि 800 रन पड़वा दिए और बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे थे। तो उसके बाद ये शर्म आने वाली बात है कि भाई 46 पर ऑल आउट हो गए एक से एक धुरंधर लोग। तो इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि चर्चे भाई बहुत, विक्रांत गुप्ता हों या फिर और लोग हों इंडियन मीडिया से काफ़ी तगड़ी स्पीच दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सबसे मेन बात मुझे यही दिखाई देती है एक पॉइंट कि पाकिस्तान की टीम बदली है। और बहुत दिन से, बहुत टाइम से, कई सालों से ये चीज़ चलती आ रही है कि नहीं, 2-3 नाम हमें सुनने को मिलते हैं कि बस यही खेलेंगे और इन्हीं के ऊपर पूरी टीम है और यही चलाएंगे टीम को, ये कभी नहीं निकलेंगे, ये चोट लग जाए, आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सुनने को मिलता था, ये आम बात हो गई थी और पब्लिक भी पक गई थी इस चीज़ से पाकिस्तान की। तो मुझे, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि ये पाकिस्तान की टीम में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, भले ही बड़े नाम हो, बहुत कुछ किया हो इन्होंने, लेकिन अगर करेंटली आप सही नहीं हो तो फ़र्ज़ बनता है पाकिस्तान का, क्या किसी भी कंट्री का, कि वो बोर्ड से ऐसी मीटिंग करें कि भाई जो लगातार आपकी कंट्री का नाम डुबा रहे हैं,
सही नहीं कर रहे हैं, टीम में कोई अग्रेशन नहीं ला रहे हैं, कोई जीत की चाहत नहीं जगा रहे हैं, तो उनको निकाल दो भाई। शाहीन भी मैंने सुना है बॉलिंग की स्पीड उनकी बहुत कम हो गई थी पहले से, वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, और फिटनेस का मसला था। नसीम शाह का चलो वो तो फिट होकर फिर आ जाएगा बंदा, लेकिन बाबर को ड्रॉप किया इसलिए क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, स्लो थे बहुत, तो यहाँ पर एक अग्रेसिव थोड़ा सा माइंडसेट चाहिए था, तो उनको भी सही ड्रॉप किया है मेरे हिसाब से। बाबर को हटाकर जिस बंदे को लाए हैं उसने सेंचुरी मारी है। देखो आप चेंज करने से क्या होता है, चेंज करने से डर रही थी पाकिस्तान की टीम, चेंज करने नहीं दे रहा था कोई, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स चल रही थी, आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उसको हटाकर देखा आपने क्या रिजल्ट्स मिले हैं, साथ साथ विकेट ले रहे हैं बॉलर्स और सेंचुरीज मार रहे हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट जीत गया है। और ये मौका इस नई टीम ने दिया है कि इंडियन मीडिया चर्चे करे, और चर्चे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है इंडियन मीडिया में, तारीफ के पुल बन रहे हैं, जो जुबानें नहीं रुक रही हैं भाई तारीफ करते करते। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ।